हेलो दोस्तों, आज हमने बनाया है फायर फाइटिंग रोबोट। आप देख सकते हो कि हमने फायर फाइटिंग रोबोट बनाया है। यहाँ पे हमने माइक्रो कंट्रोलर का बोर्ड लगाया है, उसके साथ में यहाँ पे हमने मोटर ड्राइवर लगाया है। आप देख सकते हो यहाँ पे जो पानी की मोटर है, आप देख सकते हो यहाँ पे हमने पीवीसी का कंटेनर बनाया है। इस कंटेनर की कैपेसिटी 1.5 लीटर है। उसके साथ में उसको हमने पाइप लगाया है। आप देख सकते हो यहाँ पे एक मोटर ड्राइवर लगा है, यहाँ पे एक मोटर ड्राइवर लगा है और यहाँ पे पानी की मोटर कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल सिस्टम लगाया है। साथ में हमने यहाँ पे 11.1 वोल्ट 22 एम्पियर्स 2200 mAh की बैटरी यूज़ की है। यहाँ पे हम उसके कनेक्शन करेंगे। कनेक्शन करने के बाद ये बोर्ड चालू हो जाएगा। एवरी बोर्ड हैविंग इट्स ओन LED। अगर कोई भी LED अगर बंद होता है तो समझ लेना वो काम नहीं कर रहा है। यहाँ पे हमने फ्लेम सेंसर बिठाया, ये एक्चुअल में फ्लेम सेंस करेगा। यहाँ पे एक मोटर है, साथ में यहाँ पे हमने पानी के नोजल लगाए हैं। जैसे ही ये फ्लेम को सेंस करेगा, ये नोजल अप एंड डाउन होंगे और साथों साथ में जो है पानी स्प्रे करेंगे। यहाँ पे हमने अल्ट्रासोनिक सेंसर यूज़ किया है। जब भी कोई ऑब्स्टेकल सामने आएगा ये टर्न कर लेगा। अब यहाँ पे देख सकते हो हमने मोटर्स लगाई है और यहाँ पे व्हील लगाए हैं। और यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमने 360 रोटेटिंग व्हील लगाया है, जिसके वजह से बड़ी आसानी से राइट और लेफ्ट टर्न ले लेगा बॉट। अब हम इसका डेमोन्स्ट्रेशन करते हैं। डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए हम पहले इसे थोड़ा टेबल से नीचे ले लेंगे और फिर इसका डेमो स्टार्ट करेंगे। डेमोन्स्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले हम बैटरी को कनेक्ट करेंगे। बैटरी को जैसे ही कनेक्ट करेंगे, कनेक्ट करते ही देखना सारे लाइट्स ऑन हो जाते हैं। अभी हम इसके सामने एक ऑब्स्टेकल लेके आएंगे। ऑब्स्टेकल को जैसे ही सेंस किया, इसने देखना टर्न ले लिया। इसके साथ में फिर ऑब्स्टेकल को उसने देख लिया, टर्न ले लिया। अब आप देख सकते हो ऑब्स्टेकल सेंस होते ही वो आगे बढ़ जा रहा है। अभी हम जो है इस रोबोट का डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, जिसमें हम की फ्लेम लगाएंगे। फ्लेम लगाने के लिए हमने पेपर और मैचेस लिए हैं। अभी आप देखना, जैसे ही ये सेंस करता है, सेंस करने के बाद में बॉट रुक जाता है। बॉट रुकने के बाद में आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने फ्लेम लेके आ चुका हूँ। ये देख सकते हो आप, पानी ये स्प्रे कर रहा है और पानी का स्प्रे देख सकते हो आप, लगभग एक 3 से 4 फीट तक पानी जा रहा है। जैसे ही हम इसको साइड में करेंगे, ये टर्न कर लेगा, ये फिर इसको बुझाएगा।